नमस्कार, मैं हाजिर हूं अमर उपाध्याय, खून से भरी वारदातों की खबरों के साथ। ऐसी वारदातें हैं जो आपने सोची नहीं होंगी कि कैसे अपराधी अपराध करके अपने काले कारनामों के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वारदात करते समय पता भी नहीं होता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। जैसे हर क्रिमिनल को लगता है कि वो क्राइम करके बच सकते हैं, वैसे ही पुलिस का भी मानना होता है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध करके बच नहीं सकता। हत्या, डकैती, वारदात, चोर पुलिस, जुर्म के अनोखे अफसाने और हैरतअंगेज खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें और काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो हम दिखाएंगे सनसनी से भरे कई वारदातों के किस्से, जो कराएंगे आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगे आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिमिनल। अंबाला के कमल बिहार से कुछ दिन पहले एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बता दें कि एक घर के अंदर ही पति और पत्नी का शव मिला है। इसके बारे में जैसे ही लोगों को पता चला तो इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने जब तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तो लोग सब हैरान रह गए और जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। इसमें आगे ये कार्रवाई कहां तक पहुंची, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अम्बाला में डबल मर्डर से फैली सनसनी, आपसी रंजिश में कर दी दंपति की हत्या, घर में पड़े मिले शव, तीन आरोपी गिरफ्तार। कुछ दिनों पहले अम्बाला शहर के कमल विहार में फाइनेंसर संजय जोशी और उनकी पत्नी पारुल जोशी का उनके ही घर के अंदर शव बरामद हुआ। तभी से पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई थी और अब अम्बाला पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल कर ली है, जिसमें एक को अम्बाला, दूसरे को वृंदावन और तीसरे को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पुलिस उसी दिन से इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई थी और अब तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक जिम संचालक भी शामिल है। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जिम संचालक ने दो आरोपियों को पहले पैसों का लालच देकर जाल में फंसाया, जिसमें उन्होंने संजय जोशी का पहले गला दबाकर और फिर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक उसी तरह संजय जोशी की पत्नी पारुल जोशी की प्रेस की तार से गला घोंट कर हत्या कर दी गई। तो पिछले हफ्ते कमल विहार में जो एक कपल डबल मर्डर का केस हुआ था, वो हम फाइनली सॉल्व कर पाए हैं। तो इसमें हमने तीन अरेस्ट करे हैं, ये तीन लोगों के द्वारा किया गया, मतलब इस हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें से मुख्य रूप से एक देवेश नाम का लड़का है जो जिम चलाता था और जो हमारे मृतक है संजय के, वो वहां पर जाता था एंड आपस में इसकी कोई पुरानी रंजिश भी रखता था ये संजय जी के प्रति। तो फिर इसने सोचा था अपने दिमाग में कि मौका मिलते हुए कभी बदला लूंगा, और ये जब फिर इसने सोचा कि इन दोनों की हत्या करनी है तो इसने पैसों का लालच देकर अपने बाकी दो साथी, जिसमें मन्नी और साहिब और सुनील नाम के दो लड़के हैं, उनको इसने अपने साथ शामिल किया। और इन तीनों ने पहले जो भूमिका बनाई उनके घर में एंट्री लेने के लिए, वो ये थी कि तीन चार दिन से वो इनको अप्रोच कर रहे थे कि जी हम आपका फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम्स आपने बनाए हैं वो हम किराए पे लेना चाहते हैं। एज पोटेंशियल टेनेंट्स उनके घर एक आध बारी होकर भी आए, प्रॉपर रेकी करके रहे, और फिर फाइनली वेडनेसडे 28 अगस्त की रात को ये लोग गए कि जी हम
सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह दे देंगे बात फाइनल करने से, तो इसके चलते उनको ट्रेंडी एंट्री मिली होगी घर में और इन्हें मौका देखते हैं। फिलहाल इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करके जल्द खुलासे की बात कही है और आगे की जानकारी रिमांड पर ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां शहर के बस स्टैंड पर एक युवक ने महिला को सरेआम गोली मार दी जिसने महिला की मौत हो गई। वहीं गोली चलने के बाद बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया। गोली मारने वाला तो मौके से फरार हो गया, लेकिन वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आखिरकार क्यों उस महिला पर गोली चलाई गई, एक एक चीज आपको बताएंगे। उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जमीनी विवाद को लेकर महिला की हत्या, महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर सरेआम मारी गोली, गोली चलने के बाद बस स्टैंड पर मचा हड़कंप। महेंद्रगढ़ शहर के बस स्टैंड पर एक युवक ने महिला को सरेआम गोली मार दी जिससे महिला की मौत हो गई। गोली लगने के बाद बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर युवक ने उसकी हत्या की है। मृतक महिला की पहचान में गांव खुड़ाना निवासी मुन्नी देवी के रूप में हुई है। बता दें कि मृतक महिला मुन्नी देवी और उसका पति दिनेश महेंद्रगढ़ किसी काम से आए थे और वो वापस गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े थे। इसी दौरान एक युवक ने आकर मुन्नी देवी के सिर पर गोली मार दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को रोडवेज बस में डालकर सिविल अस्पताल महेंद्रगढ़ ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं गोली चलने की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया। ये पूरी वारदात बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक नकाबपोश युवक महिला को पहले गोली मार रहा है और उसके बाद उसके दो थप्पड़ भी मारे। वारदात को अंजाम देकर जैसे ही वो भागने लगा तो वो एक बार गिर भी गया और मौके से फरार हो गया। कुछ लोग उसके पीछे भागते हुए भी दिखाई दिए। मृत महिला के पति दिनेश ने बताया कि ये जमीनी विवाद का मामला है। रोहित और विष्णु उसको पहले भी धमकी दे रहे थे और अब उसके भतीजे ने गोली मारकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी। मामला जिस पीछे जमीन का झगड़ा हो रहा था, किसके साथ झगड़ा हो रहा था? झगड़ा की मारने की धमकी सब उसे दे रहे हैं। दे रहे हैं जो विष्णु है, ये है सारे। ये क्या रखते हैं आपके जगदीश है वहाँ अंधवास के जो था वो दुश्मन लगे हुए थे। महिला क्या लगते हैं? मेरी पत्नी। क्या नाम है? मुन्नी। नहीं, ये जो मामला है जो जिन्होंने गोली चलाई है, क्या आप उनको जानते हो? हाँ जानता हूँ। कहाँ के रहने वाले? ये खुदाना का है जो गोली चलाई है। तो आप विष्णु है? क्या लगता है? विष्णु लगता है भाई। वही डॉक्टर शिवम ने बताया कि ये हेड इंजरी का मामला है और महिला को रोडवेज बस में लाया गया था। जब तक महिला को अस्पताल लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शोल्डर इंजरी का मामला है, अभी रोडवेज बस में लेके आए थे, इसकी हेड में इंजरी है, अभी बुलेट अंदर ही है तो रोड डेड थी जब आई। फिर इसकी चीज वगैरह देखी, ना कोई साइन थे ब्रीदिंग वगैरह की ना कुछ, घोषित कर दिया। अपना नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर शिव यादव सर। महिला की 50 ग्राउंड है, आई कार्ड वगैरह लेके आ रहे हैं, घर वाले फिर इस मामले को लेकर शहर थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि दो परिवारों के आपसी जमीनी विवाद का मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। देखिए, इनका आपसी पारिवारिक और संपत्ति का विवाद है और इसमें उस महिला को गोली मारी गई है। हम शीघ्र ही आरोपी को राउंड अप कर लेंगे और तफ्तीश जारी। महिला रहने वाली है खुदाना गांव की,
और आरोपी भी खुटाना गांव से ही रहने। ये गोली आज बस स्टैंड महेंद्रगढ़ में मारी गई है और सिगरी अमराम दफ्तर। कितने बजे की घटना है ये? अभी इससे लगभग 20 मिनट पहले ही घटना है। इस समय इनका आपसी संपत्ति का विवाद है गांव सांजरवास में, उस संपत्ति के विवाद में ये घटना हुई है और हम सिगरी आरोपी को राउंड अप कर रहे हैं। आरोपी गोली मारकर फरार हो गया और कुछ लोग उसके पीछे भागे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और नांगल चौधरी के गांव बुढ़वाल में दो युवकों ने एक युवक पर देसी कट्टे से गोली चला दी। गोली युवक के पेट को छूकर निकल गई और युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बारे में पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दे दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में आगे क्या हुआ। रंजिश के चलते युवक पर फायरिंग, बाल बाल बची युवक की जान, युवक के पेट को छूकर निकली गोली। गांव बुढ़वाल में रात को युवकों की आपसी रंजिश में एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। इसमें विकास नाम का युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि विकास, अमित और भीम सिंह की 2 साल पहले खेल के मैदान में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। इसके बाद से अमित भीम सिंह और विकास से रंजिश रखने लगे थे और विकास खाना खाकर गांव के बस स्टैंड पर घूमने के लिए आया था। इसी दौरान अमित और भीम सिंह भी बाइक पर सवार होकर वहां आ गए। उन्होंने एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक ली। इसके बाद भीम सिंह और विकास की आपस में कहा सुनी हो गई। इस बीच अमित ने अपना देसी कट्टा निकालकर विकास पर गोली चला दी। गोली विकास के पेट को छूती हुई निकल गई, जिससे विकास गंभीर रूप से घायल हो गया। सर में शाम को खाना खाने के बाद घूमने के लिए बस स्टैंड की तरफ गया। वहां जाने के बाद एक दुकान पर बैठ गया मैं। फिर वो दो लोग आए, अमित और भीम सिंह। उन्होंने आते ही पहले तो दुकान पर गए। दुकान पर जाने के बाद मेरे साथ एक ने हाथापाई शुरू कर दी और दूसरे ने फिर कट्टा निकाला। कट्टा निकाल के मेरे ऊपर एक फायर कर दी। गोली मेरे शरीर पेट में लगी, पेट से सूकर निकली है ज्यादा। पहले से कोई झगड़ा था हमारा ग्राउंड में खेलते टाइम, और पहले झगड़ा था 1-1.5 साल पहले। उसके बाद अभी उन्होंने फिर मेरे ऊपर फायर कर दिए कल शाम को 9:30 बजे के करीब। कार्रवाई कर रही है अभी तो 25 तारीख है। इस बारे में नांगल चौधरी थाना के सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि पीड़ित विकास उपचार के लिए नारनौल के नागरिक अस्पताल में भर्ती है। उसने इस बारे में एक लिखित शिकायत उनको दी है। शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसा है जी, ये विकास लड़का है बुढ़वाड़ का और दो लड़के और हैं, अमित व भीम सिंह। इनका 2 साल पहले आपस में ग्राउंड के अंदर खेलते वक्त झगड़ा हो गया था। वो लड़के उसी बात की रंजी सकते हुए इसके साथ झगड़ा वगैरह करते थे। कल रात को 9:30-10 बजे ये लड़का विकास जो है अपना घूमने के लिए खाना खाकर बस स्टैंड की तरफ आया था। ये दुकान के सामने बैठा हुआ था। उसी दौरान ये दोनों लड़के अमित और भीम सिंह बाइक लेके आए। वहां उन्होंने ठंडा लिया। ठंडा लेने के बाद भीम सिंह की और इसकी विकास की आपस में तवासुनी हो गई। उसी दौरान अमित आया और उसने अपना देसी कट्टा निकाला और इसका सीधी गोली मार दी। गोली जो हमसे भी बचने लगा, उसके पेट से लगती हुई निकल गई। उसके बाद ये वहां छिपा कर भाग गया। फिर तो बात की जान बचाई। आज इसने स्टेटमेंट दी है, अब मुझे जान से मारने के लिए मेरे ऊपर हमला किया था, अब इसको पुलिस कार्रवाई कर। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है और आरोपियों की धर पकड़ के लिए प्रयास जारी है। लेकिन ऐसी घटना लोगों के अंदर एक भय पैदा कर देती है और उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर ये सवाल उठता है कि अब अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि किसी पर भी हमला कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। दो बाइक सवार बदमाशों ने एक मकान पर 3-4 राउंड फायर कर दिए, जिससे घर के बाहर लगे शीशे गोलियां लगने से टूट गए।
जिसकी आवाज सुनकर पड़ोस के घरों से लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इंद्री में दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट, बाइक सवारों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, गोलीबारी से इलाके में फैली सनसनी। इंद्री के वार्ड नंबर 2 में दिन दहाड़े दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, जिन्होंने घर के बाहर लगे शीशे पर 3 से 4 राउंड फायर कर दिए। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोस के घरों से लोग बाहर निकलने लगे और इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। वहीं इस घटना के बारे में परिवार के सदस्य गौरव ने बताया कि वो घर पर खाना खा रहे थे कि अचानक उनके घर की छत पर लगे शीशे में 3 से 4 गोलियां लगी, जिसके बाद से बदमाश फरार हो गए, जिसके तुरंत बाद उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। बड़ा बेटा तो मेरे नाश्ता करके बर्तन बाहर रखने गया है, एक तरह से पटाखों की आवाज आई है, तो हम जैसे बाहर गए हैं तो 4 फायरिंग हुई है, मतलब शीशे के ऊपर लगे हैं। कितने जने थे? 2 थे बाइक पे। किस चीज़ पे थे? बाइक पे। टाइम क्या? 12:15। कोई कुछ भी नहीं, हमारे बच्चों की दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, किसी से मर्जी पूछ सकते हो। किसी को हानि तो नहीं हुई ना परिवार? कुछ भी नहीं हुई। मैं तो ऊपर जाने वाली थी, कुदरती में गई नहीं, मेरे कपड़े पड़े हैं ऊपर, मैंने कहा मैं कपड़े नीचे लेके आती, मैं गई नहीं, बर्तन रखे, मैंने कहा मैं किचन साफ कर लेती हूँ, जिसमें 2 वार्ड है। मैडम अभी 20-25 मिनट पहले की बात है, 2 लड़के हैं जिन्होंने मुंह पे कपड़ा लपेटा था, हमने कैमरे में चेक किया तो उन्होंने 3 फायर की, तो हम जब घर से बाहर निकले तो शीशे पे आवाज हुई ठा ठा की, फायर की आवाज आई है, इतने में वो जा चुके थे। कोई देखो अब जान का खतरा तो हमें हो सकता है मैम? नहीं अभी हम घर के अंदर थे, हमें नहीं पता लगा मैडम। टाइमिंग 20-25 मिनट पहले की बात है मैडम। कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई दुश्मनी नहीं किसी के साथ, ना किसी का फोन आया हमारे पास। कितने कितने फायर हुए? 3 फायर हुए हैं सर। बाइक पे 2 जाने थे, उन्होंने दोनों ने कपड़ा लपेटा हुआ था। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इसी के साथ ही पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी सोनू नरवाल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि वार्ड नंबर 2 में बदमाशों ने 3 से 4 राउंड फायर किए हैं, जिसके बाद उनकी टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। देखिए मेरे संज्ञान में आया कि 2 बाइक वाले लड़के हैं जिन्होंने यहाँ खड़ा होकर 3-4 फायर किए हैं, तो जो मौके पे आके देखा तो रियल में उन्होंने फायर किए हुए हैं और ये स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे थे 2 लड़के। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके से जो मामला सामने आया, परिवार के लोगों से बातचीत हुई है इस बारे में? अभी परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो भी आगे जो भी मामला सामने आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। कोई धमकी वगैरह परिवार के लोगों को? अभी इस बारे में हमारे पास कोई संज्ञान में कुछ बात नहीं आई, ना हमारे पास कोई एप्लीकेशन आई थी, ना इन्होंने कुछ बताया था कि हमारे पास। अभी परिवार वालों से बात करके देखते हैं कि क्या मामला क्या नहीं। फिलहाल इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है और बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।